हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक हो? तो दोस्तों अपनी बाइक्स रेडी हो चुकी हैं और ये अपना क्लब है। और दोस्तों एक बात आपको बताऊं कि भाई ने एक आइटम लगाई है अपनी बाइक पे और छोटा राइडर उसको बोल रहे हैं, तो उसके दर्शन आप करो। ये देखो, और बाइक के साथ ही रहता है। और दूसरी बाइक पे कौन सी बाइक पे है तो वो भी दिखाता हूँ आपको। ठंड लगती है तो हाँ, साथ साथ में गर्मी भी रहती है उसको। वो थोड़ा अजीब तरीके से भाई ने लगाया, ये देखो। और ये पूरे सुकून में है क्योंकि इसको ठंड लग नहीं रही। तो लोग अपने को देख रहे हैं, प्रेशन देखो आप, अच्छा आ रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं। तो अपनी पूरी गैंग निकल चुकी है, तो मज़ा आने वाला है भाई। यार बाइकें अच्छी लग रही है और लोगों का इम्प्रेशन चेक करो। तो और मजा आ रहा है। और मौसम भी खुल चुका है, थोड़ी थोड़ी धूप हो चुकी है और लोग वीडियो बना रहे हैं और थम्स अप दे रहे हैं। यार अच्छा लग रहा है और मोटिवेशन मिल रहा है। और बाकी भाई अपने पीछे हैं, दो भाई अपने आगे हैं और उड़ारी मार रही है अपनी बाइक। तो भाई बोलो तो सही, कहाँ लेके जाना है इसको? उड़ा देंगे, उड़ा इसको, उड़ा। क्योंकि बुलेट पे होता तो शायद मैं इनको पकड़ ही नहीं पाता। और स्पीड अपनी 94-95 तक है। और मैं सबसे आगे निकल चुका हूँ, भाई ने मेरे को इशारा दिया कि भाई चलो आगे। तो भाई इसको चला नहीं रहा, उड़ा रहा है, उड़ा। चलो मैं भी चलता हूँ भाई। ओ भाई 138 तक पहुंच चुकी है, 138 तक। और इसी हिसाब से चलते रहे तो भाई आधा घंटा लगेगा हमको पहुंचने में। और यार क्या माहौल बन चुका है, पूरी रेस की रेस हो रही है और राइड की राइड हो रही है भाई। एक दूसरे से आगे आगे जा रहे हैं भाई सब। थोड़ा सा रश होने की वजह से बाइकें स्लो हो जाती हैं, तो मेरे पीछे R15 आ रहा है। और बाइक की टंकी फुल है, अपने को दिक्कत कोई नहीं, अब तेल डलवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑयल की टंकी इसकी फुल है, बस एक पॉइंट नीचे है। और मौसम में थोड़ा फर्क पड़ चुका है और ठंड थोड़ी कम हो चुकी है और सूरज देवता थोड़े बाहर भी आ चुके हैं। तो हो सकता है भाई सुखप्रीत की बाइक पीछे हो क्योंकि अपाचे 160 है, शायद उसको थोड़ी दिक्कत हो रही हो। तो ये अपनी वी स्टॉर्म दोनों जा रही हैं। तो यार इनकी लुक सारी बाइकों से अच्छी लग रही थी। मज़ा आ रहा है पूरा। और ये राइड के बाद मैं हेलमेट अपना चेंज करने वाला हूँ
और बारिश का पूरा चांस है क्योंकि बादल बहुत हो रखा है और बादल का पता कोई नहीं कब बरस जाए। बीच बीच में धूप आ रही है, बीच बीच में बादल आ रहे हैं। तो ये गया अपना सुखप्रीत भाई। तो ये 160 अपाचे RTR, ये भी अपने बराबर जा रही है भाई, जा रही है जा रही है। अगर थोड़ी धूप होती तो और अच्छा होता। और अपने ग्रुप में 2 V100 में 2-3 डोमिनार हैं, एक अपाचे RTR 160 है और एक TVS 310 है और एक R15 है भाई। और यार मज़ा आ रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं हमको और इम्प्रेशन अच्छा आ रहा है। तो हाथ फिरे सुन्न हो चुके हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी अपने बंदे शांत हो चुके हैं, पता नहीं क्यों अभी मस्ती से राइड हो रही है, हल्के हल्के से। दोस्तों ये राइड अपनी यादगार होने वाली है और बाइक जा रही है सीधी अभी मेरी 130 के आसपास भाई, 138। लोग देख रहे हैं भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। यही तो चाहिए हमें, इसीलिए तो घर से निकलते हैं भाई। आगे जाके टोल प्लाजा आएगा तो टोल प्लाजे से पार होके थोड़ा सा आगे जाके पेट्रोल पंप आएगा। पेट्रोल पंप से बंदों को साथ में लेके, कुछ राइडर्स और आ रहे हैं उनको साथ लेके, तो हम राइट साइड चले जाएंगे। और थोड़ा ही आगे जाके वो डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हमने बैठने का प्लान किया हुआ है, रुकने का प्लान किया हुआ है। और मैं थोड़ा कैमरा साफ कर देता हूँ। और यहाँ से नीचे से सतलुज दरिया चलता है। बाकी काफ़ी दिन हो गए राइड की नहीं, अब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। कम से कम मेरे को राइड किए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया। तो ये पेट्रोल पंप पे कोई बंदे दोस्त इनके भाई के राइडर वेट कर रहे हैं कोई, जब वो आ जाएंगे तो फिर हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकलेंगे। तो चलो रुकते हैं थोड़ी देर। कुलजीत भाई आप कैमरे में हो मेरे, हाँ हाँ मेरा 75% ठीक है। हाँ हाँ बाइक को तेज नहीं करना। हाँ क्यों, स्लो चलाना। उसकी वजह रश है मोरे भैया, क्या करें, ये बोलती है भगाओ, क्या करें। दूसरी साइड लगा लेते हैं ना। हाँ ठीक है, मुझे पीछे छोड़ा है। और कैसे लगा राइड करके, थोड़ा खींच के? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। पहली बार हाँ मजा आ गया, मजा आ गया। अभी जहाँ जाएंगे वहाँ भी मजा आएगा। खाना तो दोस्तों थोड़ी हल्की सी धूप निकल चुकी है, तो प्लान में कुछ चेंज है, वो देखते हैं क्या है। तो ये भाई यहाँ पे खड़े हैं बुलेट लेके, तो इन भाई की वेट कर रहे थे यहाँ पे। पाजी की हाल जी, ठीक है जी। तो यार थोड़ा आगे रोकते हैं, वहाँ आके मिल लेंगे जो भी आएगा बंदा नया। यहाँ तो रश ही बहुत है यार, ये क्या चक्कर है। और इस रोड पे मैं पहली बार जा रहा हूँ, पहले मैं कभी गया नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
चलो भाई, लोग भाई आ चुके हैं। भाई ने शायद नई बाइक ली है। तो अपनी गैंग पूरी हो चुकी है भाई, और ये मेन रोड है जो बाहर जाके निकलता है। शू कैफे, तो भाई ने बोला था कि 20 बंदे हो गए, तो हमारी एंट्री फी यहां नहीं लगेगी। ये अपनी गैंग खड़ी हो चुकी है गेट पे, तो एंट्री हमें मिल चुकी है। तो गैंग अपनी धीरे धीरे से अंदर जा रही है। तो यार ये तो ऑसम बना रखा है, क्या यहाँ कबूतर वबूतर रखे हुए हैं। ओहो, क्या क्या आइटमें रखी हुई हैं, अलग अलग जानवर का अलग अलग पिंजरा है। तो लोग काफी आ चुके हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने कैफ़े, जहाँ डेस्टिनेशन हमारी थी। तो बोला नहीं जा रहा मेरे से क्योंकि नाक मेरा जम चुका है। तो बाकी बात मैं थोड़ा हेलमेट वेलमेट उतार लूं तो बाद में करता हूं आपसे। चलो सुखप्रीत भाई, तो हमारा ग्रुप अंदर आ चुका है। लोकेशन कुछ ऐसी है, तो ये खाने पीने का जुगाड़ है इधर, तो ये बच्चों के खेलने के लिए, और ये हॉर्स राइडिंग के लिए थोड़ी ग्राउंड बनाई हुई है। तो ये कुलजीत भाई अपने ब्लॉगिंग का सेटअप लेके अपना घूम रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता ये करना क्या है क्या नहीं करना है। तो ये कुछ फोटो वोटो शूट करने के लिए जुगाड़ लगा रखा है इन्होंने, सेटअप लगा रखा है। तो बाकी सब अच्छा है, धूप निकल चुकी है अच्छी। तो ये अपने सुखप्रीत भाई, तो एरिया थोड़ा सुंदर है और अलग सा है। और चलो देखते हैं कोई आगे का कुछ प्लान होगा, कुछ करना होगा, और खाना पीना देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। और रश बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और हम हैं। दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज़ है कि गगन भाई का आज जन्मदिन है, तो ये किसी ने हमें बताया नहीं, और राइड प्लान कर ली। तो अभी यहाँ आके पता चला, और भाई का केक वेक आ चुका है। तो ये देखो, तो दोस्तों मौज मस्ती हो चुकी है, अब हमारी वापसी है। तो देखते हैं बाहर जाके कोई प्लान बनता है, तो हम अपनी बाइकों की तरफ जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे का प्लान क्या है।
तो दोस्तों हम निकल चुके हैं यहाँ से और टाइम काफ़ी स्पेंड किया हमने यहाँ पे और अच्छा लगा सभी राइडर्स को। मज़ा आया पूरा और हंसी मजाक पूरा चला और हमारी लुधियाना से वापसी हो चुकी है दोस्तों। अच्छा सा कोई कैफ़े वगैरह मिलता है तो चाय वाय वहाँ पे पियेंगे रुक के। दोस्तों अपने राइड के सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं तो अपने को मिल गया है तो ये बाकी बंदों के भी मिल रहे हैं और ये अपने जीत भाई का भी हो गया। थोड़ा टिकाओ तो सही इसको। हाँ ये अपने दिव्यजीत सिंह शुभ ये भाई हाँ शुभ नाम हाँ ये कुलजीत भाई का हो गया और सबको बढ़ रहे हैं भाई। तो चलो अब इसके बाद हम सीधे घर को निकल जाएंगे। ये मेरा सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो का एंड यहाँ पे करते हैं तो इसके बाद हम सब अपने अपने घर को जा रहे हैं। तो चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।